आज हम लेके आए हैं फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी और यमी चने की और आलू की सब्जी, काले चने की सब्जी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है फ्रेंड्स धनिया पत्ता, आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च। तो इसे अच्छी तरीके से कट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स सारी सब्जियां हमने कट कर ली है। और यहाँ पे काले चने हैं जो मैंने लिया हुआ है, इसे भिगो के रख दिया था, फूल गई है। तो इसे बहुत ही हेल्दी तरीके से टेस्टी बनाएंगे फ्रेंड्स, बहुत ही कम तेल मसाले में। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है तेल। आज हम कुकर में सब्जी बनाने वाले हैं फ्रेंड्स, आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज कुकर में बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है तेल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने तेल को डाल दिया है और इसमें डाल रही हूँ तेजपत्ता और सरसों, जीरा, मेथी जो मैंने लिया हुआ था, तो इसको भी मैंने डाल दिया। और यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा भी एक था जो मैंने डाली हुई थी। और यहाँ पे इसको देख लेते हैं, देखिए जल रही है। तब तक हम क्या करते हैं, इसमें डाल रहे हैं अपना लहसुन की टुकड़ा और हरी मिर्च। तो ये जो लहसुन थी फ्रेंड्स मैंने लंबे शेप में ही कट किया था, आप चाहें तो यहाँ पे कूटकर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज खड़े के ही बना रही हूँ। तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे बनाइए। और यहाँ पे थोड़ी सी जल चुकी है, यहाँ पे डालते हैं हम प्याज। तो प्याज को लंबे शेप में कट की हूँ, तो यहाँ पे प्याज को डाल के थोड़ी सी भूनेंगे। 2 मिनट प्याज भून चुकी है, यहाँ पे डाल देते हैं आलू। आलू को भी भूनना है फ्रेंड्स यहाँ पे, अगर आप नहीं अच्छे से भूनिएगा तो टेस्ट नहीं आएगी सब्जी में। तो यहाँ पे आलू को भी डाल के भूनते हैं और फिर डाल देते हैं इसमें चना। तो चना को भी डाल के फ्रेंड्स भूनना है अच्छी तरीके से। तो आलू चना को हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से भून लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए अच्छी तरीके से भून रहे हैं, हमारी जो चना आलू है यहाँ पे भून रही है। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर को भी हमने डाल दिया है इसमें। इसके बाद इसमें स्वादानुसार नमक डाल के अच्छी तरीके से इसे भूनेंगे। नमक डालने से क्या होगा कि हमारा प्याज जो है वो भी गलेगा और अच्छे से आलू भी पकेगा। तो नमक डालने से अच्छे से भून पाएंगे हम लोग, क्योंकि हमने तेल कम डाला हुआ है इसलिए। तो आप लोग कढ़ाई में भी बना रहे हैं तो सेम प्रोसेस यही करिएगा। और यहाँ पे हमारा भून चुका है, मैंने डाल दिया काली मिर्च और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे गरम मसाला, कश्मीरी मिर्च, तो सबको डाल दिया। थोड़ी सी यहाँ पे पानी डाल रही हूँ, पानी इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि मसाले हमारे जलेंगे नहीं, बहुत ही अच्छी तरीके से भूनेंगे मसाले। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ी सी मसाले डाल के पानी भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो मसाले पीसकर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से सूखे मसाले से ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मसाले जो है हमारी देखिए कितने अच्छे से भूनने लगे हैं, मसाले जो है भून चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो पानी हमने गर्म करने के लिए रख दिया था फ्रेंड्स, हमारा पानी जो है गर्म है, गर्म पानी का यूज कर रही हूँ यहाँ पे। आप चाहें तो ठंडा का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं गर्म पानी रख दी थी। और आप लोग देख सकते हैं कि हमारा हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हरी धनिया के पत्ते। तो आप चाहें तो ऊपर से भी हरी धनिया के पत्ते डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें भी डाल रही हूँ, ऊपर से थोड़ी सी डेकोरेट के लिए डाल दूंगी। तो यहाँ पे हमने डाल दिया। अब लगा देंगे कुकर का सीटी। तो कुकर के सीटी लगाने के बाद आप लोग देख लीजिए अपने सीटी कितने में हो जाता है बढ़िया से, नहीं तो 1-2 सीटी में हो जाएगा आपका। यहाँ पे हमारा जो सब्जी है बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने सब्जी बनाई है, बहुत ही टेस्टी लग रही है देखने से। तो आप लोग देख सकते हैं, थोड़ी सी इसको मिला देंगे। तो मिलाने से क्या होगा कि हमारा जो आलू है मिक्स हो जाएगा सब्जी का, देखने से अच्छा लगेगा। और इसे आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी, सारी सब्जी के साथ भी अच्छी लगेंगी। जो चीज़ के साथ आप लोग खाएंगे ये सब्जी बहुत ही शानदार लगेगी। ये बिल्कुल हमारी मस्त सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने थाली भी लगाना शुरू कर दिया है। तो मैं अपने तरीके से थाली डेकोरेट की हूँ। पतिदेव जी को मैं खाना खिलाने जा रही थी, मैं उनके नाम से ही अपना थाली बनाई हूँ, एम मेरे पति देव जी के नाम से।
तो आप लोग देख सकते हैं इसमें हरी धनिया के पत्ती से मैंने डेकोरेट कर दिया। मैंने रख दिया है पूड़ी और थोड़ी सी प्याज रख दी। और आप लोग देख सकते हैं हमारी थाली जो है बिल्कुल यम्मी यम्मी बन के रेडी हो चुकी है। तो आप लोगों को हमारी ये रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप लोगों को हमारी थाली कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलिएगा। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए, और फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, हम मिलेंगे जरूर नई रेसिपी में। तब तक पतिदेव जी को खाना भी खिला देते हैं, फिर टाटा बाय बाय करते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर पतिदेव जी खाकर बता रहे हैं, और मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बाय दोस्तों।